भाई पीईटी का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि वो पता कैसे लगाएं कि हम मेरिट में हैं। यानी कि मान लीजिए परसेंटाइल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप मेरिट में आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, या फिर आपसे नीचे कितने हैं, या फिर आप टॉप में हैं कि नहीं है। तो ये पता लगाने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार ये कि पीईटी में आप लोग पास हुए भी हैं अथवा नहीं हुए, आप लेखपाल की तैयारी करनी भी चाहिए आपको अथवा नहीं करनी चाहिए। एक बार मेरे साथ आप स्क्रीन पर चलिए, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है और आपको लेखपाल की या जो 30,000 वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करनी चाहिए अथवा नहीं। तो यहाँ देख लीजिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी स्कोर कार्ड आपने अपना देख लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि चार तरीके के स्कोर कार्ड जारी किए गए हैं। अब आप देख लीजिए आपका स्टेटस क्या है, लेकिन अब आपको ये पता लगाना है कि आप मेरिट में कहाँ बिलोंग करते हैं। आप टॉप 10 में हैं या टॉप 30 में हैं या टॉप 19 में हैं, किस में हैं आपको पता ही नहीं लग रहा है, तो कैसे समझेंगे। एक्चुअल में यूपीपीएससी ने पीईटी स्कोर कार्ड जारी कर दिया है और व्यक्तिगत विवरण के साथ ही उसके वास्तविक स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल को भी दर्शाया गया है। अब अभ्यर्थी वास्तविक स्कोर उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए सही या गलत उत्तरों के आधार पर निकाला गया है। नॉर्मलाइज स्कोर एक से अधिक पाली वाली कक्षाओं परीक्षाओं में विभिन्न पालियों में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों के तुलनात्मक रूप से एक समान स्तर पर लाने के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित गणितीय फार्मूले के आधार पर तय किया गया है। अब आप कैसे पता लगाएंगे, भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको पता लगाना है तो आप पता कैसे लगाएंगे। तो देखिए परसेंटाइल स्कोर भी आपको दिया हुआ है, ये सब क्लियर है। तो परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी के नीचे है, इस चीज को दर्शाता है आपका परसेंटाइल। अब मान लीजिए आपका परसेंटाइल स्कोर 90 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थी मेरिट सूची में आपसे नीचे हैं। यानी कि आप टॉप 10 में शामिल हैं, आप टॉप 10% में शामिल हैं। तो अपने परसेंटाइल देख लीजिए, तो परसेंटाइल जितने भी हैं आपके, मान लीजिए आपके परसेंटाइल 80 है, तो यानी कि 80% लोग आपसे नीचे हैं, आप टॉप 20% में हैं। आपके परसेंटाइल 95 है तो 95% आपसे नीचे हैं, आप टॉप 5 में हैं। इस तरीके से आप अपना पता लगा सकते हैं परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आप अपनी मेरिट में हैं या नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको पता ही है कि पीईटी में यहाँ 20 लाख से अधिक ने तो रजिस्ट्रेशन करवाया था और 17 लाख के आसपास इसमें शामिल हुए थे। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने लिंक दिया है, वहां भी आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट आराम से। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता लगाना बड़ा आसान हो गया होगा कि आपको लेखपाल की या 30,000 वैकेंसी और जो आ रही है उत्तर प्रदेश में मेंस की पीईटी के बाद, यानी कि आफ्टर पीईटी के बाद जो स्थिति हो रही है उसमें आपका स्टेटस कहाँ है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप ही का पूछ लीजिए, मैं आपको सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।